जनपद खीरी का प्रमुख धार्मिक नगर गोला गोकर्णनाथ, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हर साल दो बड़े मेले लगते हैं, जिनमें चैत्र माह में चैती का और सावन माह में शिव महिमा का। लेकिन साफ सफाई को लेकर चले तो अभी कोई सफाई का प्रबंध नहीं है, जबकि पिछले वर्ष कम से कम 10 दिन पहले ही सभी मंदिरों को साफ करके सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए गए थे। लेकिन इस साल अब तक कोई भी साफ सफाई और सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुजारी जी के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर के पुजारी मनोज गिरी से पूछताछ करने से पता चला कि साफ सफाई की कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई है। इस बात की चर्चा को लेकर गोला खंड विकास अधिकारी के पास पहुँचे तो उनके ऑफिस में ताला लगा मिला। खीरी के गोला गोकर्णनाथ में सावन का मेला 10 तारीख से चलने वाला है। यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। चलिए बात करते हैं यहाँ के महंत से कि सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर क्या है और साफ सफाई के प्रबंध क्या है। इस मेला को पौराणिक मेला माना जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ के महंत से। जी हाँ, बताइए यहाँ पर क्या साफ सफाई के प्रबंध है, क्या सुरक्षा के प्रबंध है, और ये कितने वर्षों से कितना पौराणिक मेला महत्व रखता है, यहाँ पर कितनी पब्लिक आती है? करीब 15 सालों से हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं स्थान पे बाबूनाथ के दरबार में, और यहाँ लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु आते हैं। और सफाई व्यवस्था, इसे पंचायत चुनाव जब से हुआ तब से अभी तक कोई भी सफाई कर्मी हमारे स्थान पर सफाई करने नहीं आया। जब मैं कहता हूँ किसी एडीओ पंचायत को या वीडियो को फ़ोन करके, तो कहते हैं भेज रहे हैं, आते हैं, दो मिनट रुकते हुए चले जाते हैं। और शासन प्रशासन हमारे स्थान की बड़ा चौकसी रखता है, किसी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ 10 तारीख से सावन का मेला प्रारंभ हो रहा है, इससे सभी शासन प्रशासन और जो भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो सब ये देखें कि भूतनाथ का मेला विशाल होता है, जो सावन में एक बार आता है, जो नागपंचमी के बाद सोमवार पड़ता है, उसको भूतनाथ का बहुत विशाल मेला लगता है। इसमें लाखों श्रद्धालु हमारे भूतनाथ दरबार में आते हैं और कई तरीके के हू करके बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे वो हर वर्ष यहाँ बाबा के दरबार में आके मत्था टेकते हैं। हमें चिंती है कि जिससे कि जिला प्रशासन या ब्लॉक कुंभी हो या जिला हो, कहीं भी हो, जो हमारे स्थान को देखा जाए और सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की जाए, जिससे किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो। बाकी किसी के आपने उच्च अधिकारियों से बात की साफ सफाई को लेकर कि यहाँ पर इतने प्रांगण में गंदगी पड़ी हुई है, इस बात को लेकर आपने साफ सफाई को लेकर बात? हमने एडीओ पंचायत से कहा, वीडियो साहब से कहा, फोन करके, सफाई कर्मी आए लेकिन दो दिन के बाद चले गए।